प्लेडेड्स इनसाइड। अच्छा, सो व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है लकी, स्वागत है आपका एक नए डार्केस्ट एडवेंचर गेम पे जिसका नाम है इनसाइड। जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, एक 2D पजल प्लेटफॉर्मर गेम है, एक बच्चे की कहानी, फेसलेस बॉय फेसलेस भी नहीं, मतलब उसका नाक आँख मुँह कुछ भी नहीं है, खाली ब्लैंक फेस रहता है। इस गेम के बच्चे की बात नहीं है, कोई भी कैरेक्टर है इस गेम में उसमें है ही नहीं भाई, किसी का भी आँख मुँह नाक ही नहीं है भाई, देखने में बताओ कितना क्रीपी लगेगा है। तो एक लिम्बो आई थी गेम 2010 में, बस जैसी उसी का ही एक नेक्स्ट वो है, सक्सेसर है। लिम्बो के बाद ये आया था इनसाइड, 2016 में रिलीज़ हुआ था, बस वैसा ही है जैसा गेम अगर वो खेला होगा तो उसी के जैसे, विथ इनहेंस ग्राफिक्स। इस वाले पार्ट में उसका थोड़ा सा ठीक था, नॉर्मल ब्लैक एंड वाइट वाला वो वाला हिसाब था, उसमें थोड़ा ग्राफिक्स इम्प्रूव हुआ। तो एक जगह से ये एस्केप होने का ट्राई करता है, यहाँ पे कोई ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट होता है, कोई डार्क एक्सपेरिमेंट, अब वो क्या एक्सपेरिमेंट होता है वो गेम में आगे स्टोरी में पता चलेगा। तो उस ये सब माहौल से एस्केप करने का ये मिशन है इस गेम में, वो अपने को करना है। और ये गेम इसी व्यू पे रहता है, ऐसी 2D में एक ही व्यू रहता है, बस आपको लेफ्ट राइट चलाना है। ओके, तो ऑब्वियसली बात है अगर फ्लैश लाइट में हम लोग को देख लेगा, अगर सामने से निकल लेंगे तो छिपके से जाना पड़ेगा भाई। बहुत ही मतलब एक क्रीपी टाइप का भी फील आ रहा है और बहुत अंधेरा अंधेरा अजीब ही टाइप का फील है भाई इस गेम का, एकदम डार्क फील है। ओके, दीवार ऊंचा है, ऐसे वो चढ़ेगा नहीं, डब्बा, हाँ ये पकड़ रहा था इसको, उसको गिरा, चढ़ और कूद, बहुत बढ़िया। बाय द वे, थैंक यू सो मच यार रेजिडेंट एविल 6 के वीडियोस को देखने के लिए, ऐसे ही प्यार बनाते रहिएगा। और रेजिडेंट एविल के और भी पार्ट्स अगर खेलने होंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं खेल लूँगा भाई उसको भी। साला उधर आदमी और कुत्ता खड़ा है, बस पीछे पीछे ना आए बस। अबे इधर कैसे जाएंगे? अच्छा, समझ गया, पीछे वो था एक बॉक्स टाइप का था, उसको खींच के शायद ये वाला, हाँ, ताकि थोड़ा हाइट बढ़ जाए। इसमें पूरा पजल अपना दिमाग लड़ाना है बेटा, फुल दिमाग का यूज़ होता है इसमें अच्छे से। लेट्स गो। ओके, तो वहाँ पे दूर में है आई थिंक, शायद नहीं देख पाए, आई होप। अबे देख लिया लगता, देख लिया। अरे भाई कुत्ता आ रहा है पीछे, अरे कूद 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 के जा रहे, भाग भाग भाग, अरे रे रे भाई भाई भाई, ओ भाई भाई बाल खड़ा हो गया गर्दन का, ओ इतना तेजी से आया एकदम लास्ट मोमेंट पे। ओके, तो अब थोड़ा सा जंगल एरिया अटकाया है। क्या सोच के देखो भाई, इतना वीरान से शांत जगह में अकेला छोटा सा बच्चा घूम रहा है, उसको एस्केप करना है इस जगह से, सोचो क्या उसका फीलिंग होगा उस टाइम बच्चे का। वे गाड़ी गाड़ी से आ रहा है, गाड़ी में कोई आ रहा है, ये पक्का वो लैब एक्सपेरिमेंट वाले होंगे। बच गया भाई, अगर उन लोग के टॉर्च के उसमें आ जाता ना रेंज में तो गया रहता फिर। अच्छा, वहां से निकलकर उन लोग की गाड़ी यहाँ पे आके रुकी है। एक मिनट एक मिनट, अभी आई थिंक हाँ बाहर आया कोई गाड़ी से, पर ऐसा इधर आते हुए कोई दिख तो नहीं रहा है, निकल सकते हैं क्या? अरे अरे भाई भाई, अभी ये कैसे आया, देख लिया हम लोग को। भाई भाई दे, अब यहाँ से भी आ रहा, निकले कैसे? एक मिनट अब निकल। अरे भाई भाई, दोनों के दोनों आ रहे हैं। अबे ये सारा सूट कर रहा है, अरे कितने, अबे कुत्ते भी भेज दिया भाई अभी। अबे कूद कूद, अरे भाई जस्ट मिस, भाई जस्ट मिस हुआ।
कसम निकलो भाई, आगे जितना जल्दी हो सकता है निकलो। अच्छा इसको चोक हो रहा था, पानी में ज़्यादा देर नहीं रह सकता। हाँ यार कहाँ से रहेगा, है अगर है ही तो बच्चा ना। ठीक है स्पॉटलाइट में उसमें नहीं आना था। देखो 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 चौक हो रहा है उसका, मतलब थोड़े थोड़े देर में 5-6 सेकंड तक ही, 5-6 सेकंड नहीं कम से कम एटलीस्ट 10 सेकंड टिक रहा है पानी के अंदर। ओके ये हम कहाँ आ गए हैं, सुअर मरे पड़े हैं। देखो सड़क कितना वीरान लग रहा है, कोई भी नहीं है, एक आदमी नहीं दिख रहा है मतलब प्रॉपर ढंग का कोई, इसको छोड़ के बच्चे को छोड़ के। रोड खाली पड़े हैं, अब ये कोई खेत पे आए हैं शायद, अभी अपन अलग तो वैसे ही रहा है। मक्के का खेत है आई थिंक, हाँ वैसे ही रहता है, कौन का ही रहता है ऐसे। यार अच्छा हुआ 2D में है, रास्ता खोजने का कोई टेंशन नहीं है क्योंकि वन वे में ही जाता है तो कोई इधर उधर खोने का कोई चांस ही नहीं है। ओए चूजे छोटे छोटे, अब पीछे पीछे आ रहे हैं मेरे, और भी है। अरे भाई इतना सारा क्या मारा पड़ा है, ये कुछ मरा पड़ा है कि कुछ बोरी रही है वो, नहीं बे मरा पड़ा है कुछ, सुअर टाइप का लग रहा है मेरे को। ओके इधर रस्सी है, रस्सी से चढ़ के इधर राइट साइड कूदना है। हाँ विंडो कुछ टाइप का दिख रहा है कुछ, और उसके बाद नीचे जाना है, नीचे पे दिख रहा है लीवर है एक, कुछ नहीं हुआ इससे। ओके और ये कुछ मशीन है, इसको कुछ नहीं हुआ चालू। अच्छा लगातार खींचना है क्या, हाँ अब हुआ तो चालू तो हो गया, पर करे क्या इसका, इससे क्या होगा। ओके तो नीचे जो वहाँ पे होल दिख रहा है वहाँ डस्ट पूरा खींच के उधर फेंका रहा है, और यहाँ पे उस फट्टे में एक बॉक्स रखा हुआ है, तो बॉक्स को इधर गिरा के अपने को वहाँ ऊपर चढ़ना है, वो इसलिए बॉक्स दिया है। तो अपना मेन ऑब्जेक्टिव है अभी बॉक्स को गिराना है। एक आइडिया है मेरे में, मेरे दिमाग में, कि बाहर जो चूजे हैं उनका कुछ यूज़ है क्या, क्योंकि उनको ऐसे तो नहीं दिया है क्योंकि मेरे पीछे पीछे भी आ रहे थे। ये देखो यहीं पर हैं सब के सब, आओ रे चलो इधर चलो, तुम लोग ऐसे काम है। जबकि उधर से वो चूस रहा है उधर पे डस्ट, तो मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि चूजे को उसके बीच में लाना है और अपने को ये लीवर खींचना है, तो चूजे अंदर जाएंगे और वहाँ से निकलेंगे बॉक्स को धक्का देंगे। अभी पर टाइम से करना पड़ेगा लग रहा है मेरे को, थोड़ा दूर से जाके ना। हाँ यहाँ से आ जाओ, आ जाओ चल, जैसे ही वो छेद के पास पहुंचेंगे लीवर खींच दो, खींच। हाँ बहुत बढ़िया भाई, क्या यूज हुआ है देखा चूजों का। इसके बाद बॉक्स सरकाना है और ऊपर से चढ़ जाएंगे अपन, गुड टू गो। ऑलराइट तो नेक्स्ट, अच्छा नीचे ही कूदना है, पता लग गया था सीन देख के, सुअरों के ऊपर गिर गया कूद के। सटा के इधर पे चढ़ जाओ, बहुत बढ़िया। शुरू में तो सिंपल रहता है बहुत पजल, लेकिन बेटा जैसे गेम आगे प्रोग्रेस मारेगा ना, इसके बाद धीरे धीरे पजल्स टफ होते जाते हैं। क्योंकि दलदल है क्या कोई, और दलदल अभी घुस गया अंदर। कूद भी नहीं पा रहा है,
बहुत मजा आ रहा है यार इसको खेलने में, एकदम लगातार कंटिन्यू उसको चलाना ही है ना आगे पीछे। जब एक बार आप सब इसके प्लेटफॉर्मिंग वगैरह के यूज टू हो जाओगे तो और मजा आता है फिर खेलने। अबे ये क्या है, सुअर के पिछवाड़े से कीड़ा। भाई जाग गया। ओ भाई क्या करें, क्या करना क्या है, कूद तो जा रहा है उसके ऊपर से पर। अच्छा अच्छा समझ गया समझ गया, इधर 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 आ। ये देखो ये चीज करना था पर मेरे को कूदना भी था उस टाइम थोड़ा लेट कर दिया कूदने में। चल कोई बात नहीं बेटे, तेरा यूज अब सीख गया मैं उससे, तेरे को कैसे यूज करना है। आ जा आ जा आ जा, ए ले और ए ले, आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा, इधर आ जा और चल निकल। अबे अभी भी नहीं। अच्छा अच्छा समझ गया समझ गया, वहां पे दीवार है राइट साइड में, उधर पे इसको नॉकआउट करना है। बस बहुत कीड़ा है ना रे तेरे पिछाड़े में, निकाल साले को कीड़ा। ओ भाई अभी कीड़ा नहीं भाई, कुछ पैरासाइट समथिंग कुछ लग रहा है, पैरासाइट ही लग रहा है। देखो अब वो कंट्रोल में नहीं है पिग, अब वो जैसे ही वो निकाला वो पीछे से, और वहां पे आदमी भी देखो घुटने के बल बैठे हुए हैं, मतलब कोई यहाँ पे किसी कंट्रोल में है, वो ना कुछ होश है ना कुछ है, ऐसी है बस। अभी ये क्या बकचोदी है, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ क्या उन लोग को, ऊपर से गिरा। अरे भाई अच्छा, तो अपने को ये दो और वो दोनों को उधर से लेके आ, हम लोग होल्ड किए हैं, अब इन लोग को इधर से ले, इधर से लाना पड़ेगा ना। कैसे होगा भाई, दोनों तो अपोजिट जा रहे हैं, तू होल्ड कर यहाँ पे और तुम लोग इधर से आओ, ऐसे होगा। हाँ अच्छा, और फिर चारों इन लोग चारों उसको वहां से हटाएंगे और अपने लिए रास्ता बनाएंगे। अच्छा पीछे पीछे, अरे भाई देखो जैसे ही मैं उतरा वहां से तो वो लोग वापस वैसे ही हो गए। तो वो माइंड कंट्रोल कोई डिवाइस था आई थिंक, वो उसको लगाने पर अपन किसी भी उसको मतलब ऐसे ह्यूमंस को कंट्रोल में कर सकते हैं। सही है भाई, मतलब यहाँ पे कोई अपने होश हवास में नहीं है, जिंदा मुर्दे हो गए बस। आइट व्यू अच्छा लग रहा है, देखो कुछ भी नहीं है ग्राफिक्स में पर क्या मस्त क्लीन सोबर सा दिख रहा है एकदम। ओ देखो वहां पे सारे ह्यूमंस, कुछ तो बेटा गड़बड़ है यहाँ इस फैक्ट्री में। यहाँ पे लग रहा है ना मेरे को ह्यूमंस पे कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है, कोई किसी के कंट्रोल में नहीं है, कुछ तो गड़बड़ी है बेटा, आगे गेम में पता चलेगा। ऐसे ज़ॉम्बी टाइप के खड़े ना ऐसे मुंडी झुका के, ये क्या है। ओह वाह चेन वो नीचे आया थोड़ा, ठीक है तो यहाँ से ऊपर। जंप भाई मानना पड़ेगा, लड़के में दम है, वो होगा एटलीस्ट 9-10 साल का होगा, लेकिन भाई पावर देखो उसके बॉडी में, इतना हाइट वीट से कूद जाता है, हैं इतना बड़ा बड़ा हैवी हैवी काम कर ले रहा है। और यहाँ पे क्या है, वो बॉक्स ऊपर है, फट्टे से जॉइंट है और नीचे भी फट्टा लगा हुआ है, मतलब वो बॉक्स को वहाँ से नीचे गिराना है और आई थिंक फिर नीचे जाना है। तो उसके लिए एक दिया है, वहाँ पे कुछ मशीन दिख रहा है, एक मिनट फट्टा पकड़ेगा क्या। हाँ ठीक है सर सर आ रहा है। और ये मशीन क्या काम करती है, ओके ऊपर नीचे हो रहा है ठीक है। तो
तो अपने को जाना ऊपर है वो बॉक्स पीछे वाला ढकेलने के लिए। तो यहाँ पे चढ़ के उसके बाद यहाँ पे जंप, अगेन जंप एंड अगेन जंप। बढ़िया। तो इसके बाद इसको धकेलो और नीचे गिराओ और नीचे अपने लिए रास्ता बनेगा। और मैं गया छूतिया टाइप, वहीं पे चल रहा हूँ, कूदा ही नहीं। मेरे को लग ही रहा था टूटेगा टूटेगा ऐसे करके पर कूदना भूल गया। जंप। यहीं से ड्रॉप हो जाते ना। और ये गए अपन नीचे। ओ ये क्या है, येलो तार गया हुआ है वहां से होके इधर से होते हुए। क्या है बे? अच्छा कुछ अनलॉकेबल्स टाइप का है क्या? कोई होगा भाई, देखते हैं। अच्छा मतलब जहाँ पे ये जो येलो लाइन बिछा हुआ है ऐसे, उधर पे इस टाइप का अनलॉकेबल्स रहता है। तो मतलब इससे पहले भी अपने को वो खेत के पहले एक छत पे येलो लाइन दिखा हुआ था, मतलब उधर भी था एक अनलॉकेबल्स। चलो एक छूट गया शायद, अनलॉकेबल्स या जो भी बोलते हैं उसको, कलेक्टेबल्स अचीवमेंट्स। ओके तो यहाँ पे क्या गणित है भाई? एक तो ये माइंड कंट्रोल डिवाइस दिया है और बड़ा ही अजीब सा क्रीपी सा म्यूजिक बज गया। दो इंसान बाहर आए, एक प्लेट में खड़ा हुआ और वहाँ पे राइट साइड में स्विच ऑन ऑफ हो रहा है, इधर वाला जला। और सामने दो इंसान वहाँ पे हैं, उधर पे दो प्लेट है। तो जहाँ तक मेरा हिसाब है वो दोनों को उस प्लेट में खड़ा करना है अपने को, तब कुछ होगा। पर डिस्टेंस का फ़र्क पड़ रहा है। क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसमें? एक मिनट, ये लीवर को, ये डोर बंद करो, ठीक है? फिर वो पूरा अंदर नहीं जाएगा तो बराबर डिस्टेंस में आएगा उसके वो। अब इस कूद, नहीं नहीं इधर, हाँ इधर जाओ, बस वहाँ रुक गया। अब वापस आएगा तो इक्वल डिस्टेंस में दब जाएगा और रास्ता खुल गया अपने लिए। वाह यार अच्छा पजल था ये, एक से एक है भाई, ऐसी एक से एक पजल है। इस टाइप के गेम्स भी खेलने भी ना मजा आता है, एक्शन एडवेंचर स्टोरी गेम्स के अलावा ऐसे पजल टाइप का, पजल प्लेटफॉर्मर गेम मेरे को अच्छा लगता है खेलने में। और इस गेम का ज़्यादा साइज भी नहीं है, 900 MB। आई थिंक ये iOS में भी अवेलेबल है, चाहो तो खेल सकते हो आप लोग। अब वो फ्री है कि पेड वाला है वो पता नहीं, पर इतना पता iOS में अवेलेबल है, एंड्रॉयड में नहीं है। पर स्लाइड करते हुए वहाँ पाइप दिख रहा है, आई थिंक वो पाइप में कूदना है मेरे को। जंप, बस नीचे जाके देखेंगे। अभी गिर गया, ओ भाई नीचे अचीवमेंट है। चलो गिर के भी अच्छा हुआ, मतलब पता चल गया कि नीचे जा सकते हैं। देखा गिरने से एक चीज अच्छा हुआ। जंप कर और फिर सरक के, आई थिंक मैं पूरा सरक गया था जहाँ पाइप खत्म हो गया इसलिए गिर गया। ओ यहाँ सीढ़ी भी है, चलो दो ले लिए ना हम लोग। और टोटल इसमें कितना है पता नहीं। फिर अब वहाँ पे देखो पूरे जा रहे हैं ह्यूमंस लोग, पता नहीं क्या एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं साले लोग। पीछे गिरने वाला था। ओए 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 देख के, कूद भाई कूद साला। क्या इतना लंबा लंबा हाई हाई जंप ले रहा है भाई बच्चा।
यू आर स्ट्रॉन्ग बॉय। ओके तो अब नीचे धीरे धीरे जाता हूँ इस बार। क्या करना चाह रहे हैं भाई इन लोग के साथ, मतलब इन लोग को माइंड कंट्रोल करके क्या एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, मेरे को ये जानने का बहुत इच्छा हो रहा है भाई अब तो। जल्दी जल्दी गेम में आगे प्रोग्रेस करें तो फिर पता चले कुछ। अभी तो कुछ पता नहीं चल सकता, आई थिंक 10% ही हुआ गेम कंप्लीट। चलो भाई निकल गए यहाँ से। सो दैट्स इट गाइस, फर्स्ट एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप ये सीरीज़ पसंद आएगा आप लोगों को। ज़्यादा लंबा नहीं है इस गेम का प्ले टाइम, आई गेस 2-3 आवर्स का है गेम प्ले, जो भी है जल्दी ख़त्म हो जाएगा। सो वीडियो पसंद आया तो एक लाइक मार देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लेना ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।